जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं प्रिंस और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की आंसर की को लेकर। देखो दोस्तों, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है भाई। एसएससी की साइड पर बहुत ज़्यादा हलचल भी तेज़ हो चुकी है आंसर की को लेकर। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि आज आंसर की आ जाएगी, कुछ बोल रहे हैं आज आंसर की नहीं आएगी। तो आखिर मसला क्या है वो जानते हैं। देखो आप सभी को जो लिंक है वो तो मिल गया होगा। ये लिंक है, यहाँ से लिंक दोस्तों आपका वायरल हो रहा है TCS आईओन से, जो कि आपका, मैं यहाँ दिखाता हूँ, SSC.DIGIALM.आप सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। जैसे मैं कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने दोस्तों वो जो लिंक है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। देखो अभी चल रहा है, साइड में थोड़ा सर्वर है, इसकी वजह से जो है थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको ओपन होने में। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से आया है। किसी का दोस्तों जो यहाँ पर आ रहा है वो ये आ रहा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल अभी इस तरीके से मेरा आ रहा है, मैं इस पर एक रोल नंबर और एक पासवर्ड फिलअप करता हूँ। देखो ये पहले फिलअप किया, देखो अब देखो तुरंत होगा क्या। जैसे मैंने इसको किया तो देखो हुआ क्या, लिंक यहाँ पर देखो डेट एक्स पर दिखा रहा है, लिंक एक्स पर नहीं दिखा रहा है, डेट एक्स पर दिखा रहा है ऊपर। देखो ये देखो अब हुआ क्या, देखो ये दिखा रहा है कि 2/4/2024 यानी 2 अप्रैल को, ये सुबह के 11 बजे है, सुबह के 11 बजे। अगर यहाँ पर ये रात के 11 बजे होता तो इस पर 23 लिखा होता, लेकिन ये सुबह के 11 बजे से सुबह दोपहर के 12 बजे तक ही है, ठीक है। यानी लिंक आपका 11 बजे आया एक घंटे के लिए और 12 बजे एक्सपायर हो गया, यानी एक घंटे लिंक रहा और फिर वो एक्सपायर हो गया। जैसा पहले आपको आया था, पिछली बार भी दोस्तों यही दिखाया था कि 11 तारीख को लिंक आया और 21 तारीख को एक्सपायर हो गया, तो इस बार भी यही हुआ। यानी 2 तारीख को लिंक आया आपका 11 बजे और ये फिर एक्सपायर हो गया दोपहर 12 बजे। तो अब देखो आंसर की रात के दोस्तों, देखिए दोस्तों 8:10 हो रहे हैं, फिलहाल अभी तक आंसर की कोई अपडेट नहीं आया। मैंने अभी आपको दिखाया, इसी लिंक से सब कुछ हो रहा है, यही लिंक ओरिजिनल है, आप देख भी सकते हैं, यही सब चीज़ दिखा रहा है, ठीक है। तो अब आपके मन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि भैया आज भी आंसर की नहीं आई तो फिर कब आएगी। तो देखो अब यहाँ पर SSC ने काम करना शुरू कर दिया है। पहले दोस्तों SSC ने अपनी साइट पर भी अपलोड किया था, लेकिन वहाँ से भी उन्होंने हटा लिया है। तो अब मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर की दोस्तों आप सभी की रेडी है, कभी भी तैयार हो मतलब कभी भी जारी हो सकती है। अब आप सभी यहाँ पर ये देख लीजिए, ये जो दिखा रहा है, ठीक है। तो आंसर की 3 मार्च को दोस्तों आपकी अपलोड हो जाएगी। आपको बिल्कुल बेचिंतित रहना है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और ना ही परेशान होना है। देखो इतने दिन से वेट कर रहे हो भाई, यहाँ पर 7 तारीख के बाद से वेट कर रहे हो, लगभग 1 महीना हो चुका है, तो थोड़ा सा वेट और सही। अब ये आप, ये तो पागलपंती है कि भैया अभी मुझे चेक करनी है, बताओ वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। गालियाँ देते हैं लोग, तो वो अपने किसी भी सिरदर्दी है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी आपके मन में चल रहा है ठीक है भाई। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, बस वही है कि जलते हुए लोहे पर टच करोगे तो जलोगे खुद ही, ठीक है। तो अब आप खुद जलते हुए लोहे हो, ठीक है। अब आपके ऊपर पानी डालेंगे तब भी नुकसान है, हाथ लाएंगे तब भी नुकसान है। सिर्फ वही चीज़ हो रही है कि अब आप मानने वाले तो किसी के हैं नहीं, चाहे कोई कैसा ही बताए, लेकिन वही होगा दोस्तों जो यहाँ पर SSC बोलेगी, क्योंकि SSC कभी भी अपना रंग बदल देती है, कभी भी दोस्तों कोई सा भी नोटिस जारी कर देती है। तो आप सभी को सिर्फ वेट के अलावा और कुछ, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, लेकिन हम जानकारी आपको बिल्कुल ऑथेंटिक देंगे, आपको इस चीज़ से बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बोलने वाले कुछ भी बोलते रहेंगे, उनका कुछ हो नहीं सकता, ना आज हुआ है ना कहा हुआ है। और ऐसे लोग दोस्तों सिलेक्शन से बाहर हैं, निश्चित से मैं बोलता हूँ। जो लोग डेफिनेटली किसी टीचर की इज्जत नहीं करेंगे, उसकी कोई इज्जत नहीं करता है, और वो लोग सिलेक्शन से बाहर ही होते हैं। बैंक आपने देखा होगा, हर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, ये भी ऐसे कुछ लोग होते हैं, लेकिन मैं इस टॉपिक को ज़्यादा बकवास करूँगा नहीं, क्योंकि सब लोगों को पता होता है कि ये लोग कौन होते हैं। और ये वही होते हैं जो पढ़ते तो है नहीं, फॉर्म भर देते हैं, इनको चिल्ल होती है कि बस हाँ बस इस बार बस आंसर की दिख जाए, अच्छे खासे नंबर हो जाए, तुक्का तो सही मार के आया हूँ, क्या पता हो जाए नहीं हो जाए। इनको जब तक आंसर की नहीं आती चुल्ल रहती है। पढ़ने वाला बच्चा बहुत शांत मूड में बैठा हुआ है, वो अपनी फिजिकल की तैयारी कर रहा है। जिसको सिलेक्शन लेना है, जो सिलेक्शन का बिल्कुल हकदार है, वो बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है। लेकिन जो सिलेक्शन के हकदार नहीं है, उनके मन में उथल फुथल हो रही है बहुत ज़्यादा। और जो शांत बैठा है, जिसको पता कि इतने नंबर मेरे आ रहे हैं, वो बिल्कुल शांत बैठा है कि हाँ मेरा सिलेक्शन तो पक्का है ही, उसको कोई डर नहीं है। लेकिन ये जो चुल्ल वाले हैं, जिनको बहुत ज़्यादा चुल्ल है, ये चुल्ल खत्म नहीं होगी नहीं कभी भी, इस बात का मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। तो आप सभी को सिर्फ वेट के अलावा दोस्तों कोई आपके पास चारा नहीं है, बस आप थोड़ा वेट कर लीजिए। 3 तारीख को आपकी आंसर की हो सकता है, उम्मीद तो है कि आ जाए। पक्का मैं भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि पक्का किसी को भी नहीं पता है, चाहे कोई भी यूट्यूबर कितना भी बड़ा हो, किसी का SSC डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो है नहीं, बस सब उम्मीद ही कर सकते हैं आप लोगों की तरह। सिर्फ यही मैं बात बता रहा हूँ, रियलिटी है वही मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है हमसे ज़्यादा आप लोगों को भी पता हो, लेकिन जो रियलिटी है वही मैं आपको बताऊँगा।
बात रही दोस्तों उसकी कि भाई वीडियो आ रहा है, तो जी हाँ वीडियो बिल्कुल आता रहेगा, जो भी अपडेट होगा उसके ऊपर वीडियो बनता रहेगा, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पर अभी आप लोगों के लिए SSC GD पर ही वर्क कर रहे हैं, हमारे पास और कोई वैकेंसी को लेकर अपडेट भी नहीं आता है, तो यही अपडेट आ रहा है तो इसके ऊपर वीडियो बन रहा है। बाकी RPF और UP पुलिस कांस्टेबल भी वीडियो आता रहेगा, अग्निवीर पर भी वीडियो आता रहेगा, जो भी अपडेट होगा सबसे पहले मिलता रहेगा हमारे चैनल पर ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को बेल आइकन को दबा लेना और सब कुछ अपडेट मिलता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।